दोस्तों आज हम विलेज स्टाइल चिकन करी बनाएंगे। हाँ, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखाए इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बनाते वक्त मैं आपको बताती हूँ कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना क्वांटिटी में डालना है। तो चलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे यमी विलेज स्टाइल चिकन करी। मैंने यहाँ एक केजी चिकन अच्छे से धो के रखा है। अब इस चिकन को पहले बॉयल करने के लिए रखेंगे। चिकन बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई या बर्तन गैस पर रखेंगे। बर्तन गर्म होते ही उसमें 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें 4 से 5 छोटा कटा हुआ ऑनियन डालेंगे और 10 करी पत्ता लीव्स भी डालेंगे। ऑनियन फ्राई होते ही उसमें 2 कटा हुआ टोमेटो डालेंगे। टोमेटो फ्राई होते ही उसमें 2 के रखा हुआ चिकन डालेंगे और चिकन के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर। दोस्तों यहाँ स्पाइसी आपके स्वाद के अनुसार डालिए और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड क्लोज करके लो या मीडियम फ्लेम में चिकन को अच्छे से बॉईल करेंगे। दूसरा स्टेप, चिकन बॉईल होने तक हम मसाला रेडी करेंगे। मैंने 1 केजी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए एक छोटा साइज का पूरा कोकोनट लिया है। अब इस कोकोनट को कढ़ाई में तेल डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ा साइज का 4 से 5 ऑनियन लिया है या प्याज लिया है, उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के कढ़ाई में फ्राई करेंगे। मेन मसाला के लिए इस साइज का शुंठी, 3 लहसुन, 3 इलायची, 10 लौंग या क्लाव्स, छोटा सा स्टार फ्लावर, दालचीनी, 10 काली मिर्ची और 1 बिरयानी पान, 2 टेबलस्पून धनिया, 4 से 5 हरी मिर्ची। ये सब मिक्स करके थोड़ा तेल डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब फ्राइड ऑनियन, कोकोनट, सारे मसाले के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर और हरी धनिया पत्ता डाल के इसे ग्राइंडर में मिक्सी करेंगे। दोस्तों दूसरी साइड चिकन भी अच्छे तरीके से बॉईल होके रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम चिकन करी बनाने के लिए एक बर्तन रखेंगे, उसमें 2 से 3 स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें 1 छोटा कटा हुआ ऑनियन डाल के उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियन फ्राई हुआ है, अब उसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे और थोड़ा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके उसे लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में लिड बंद करके बॉईल होने के लिए या फ्राई होने के लिए रखेंगे। मसाला अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब इसमें पानी डाल के ग्रेवी कितना चाहिए उतना पतला करेंगे और 1-2 मिनट मसाला को अच्छे से बॉईल होने दो। बॉईल हो रहा है, अब उसमें चिकन डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके उसे लो फ्लेम में मिनिमम 5 मिनट्स बॉईल करेंगे। चिकन अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब इसमें नमक कम है तो इसी वक्त ऐड कीजिए, डालिए और फाइनल टच के लिए हरा कोथमीर डाल के
एक मिनट छोड़ के गैस बंद करेंगे। दोस्तों, हमारी विलेज स्टाइल चिकन करी रेडी है। आप इस चिकन करी को चपाती, राइस, रोटी, पूरी सब के साथ अच्छे तरीके से खा सकते हैं। एंड आई विल प्रॉमिस यू, ये करी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चलो ट्राई करो और कैसा था करके कमेंट करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।